नमस्कार सभी को, जयशंकर जी। बड़ा एक दुखद समाचार है। राजवीर सिंह सन्नाप मदनलाल, जो कि राजस्थान इलाके के रहने वाले हैं, सांबा सब्जी मंडी के एक निजी होटल से व्यक्ति का शव मिला है। मृत्यु का क्या कारण है, इस समय सांबा पुलिस बड़े स्तर पर तहकीकात कर रही है। हमेशा आपने देखा होगा कि जम्मू के अलग अलग जगहों से एक खबर आपने जरूर सुनी होगी, जहां पर ऐसी अवस्था में लोगों के शव होटल से मिलते आए हैं। फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, सांबा मंडी के एक निजी होटल से इस व्यक्ति का शव जो है बरामद किया गया है। जो होटल के जो लोग हैं वो भी पुलिस के समर्थन के साथ पूरी सहयोग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका शव ऐसी अवस्था में बरामद हुआ है, क्या कारण है, पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। इस सांबा इलाके का पूरा मामला है। सांबा के सब्जी मंडी एक निजी होटल से जो है उसका शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। जो जानकारी मिल पा रही है, नाक से काफी ज्यादा ब्लडिंग हुई है। उसके बाद जैसे ही पुलिस आती है, शव को अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सांबा हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अभी तक तो कुछ जानकारी मिल पा रही है कि राजस्थान इलाके के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से उनका शव मिला है, अब पुलिस ही बड़े सत्र पर तहकीकात करेगी आखिरकार मृत्यु का क्या कारण है। बड़ा ही एक दुखद समाचार है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आप ओम शांति लिखे, और जिस तरीके से ऐसी अवस्था में शव जो है सांबा इलाके से मिले हैं, पुलिस जो है बड़े सत्र पर तहकीकात करे और मृत्यु का जो है कारण का पता लगाया जाए। बड़ा एक दुखद समाचार है जिस तरीके से ये पूरी घटना पेश आई है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया, पुलिस को कॉल की गई और उसके बाद पुलिस तुरंत वहां पर आती है। लोग जो है वो जो है मदद करते हुए नजर आते हैं शव को जो है उठाने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस में शव को डाला जाता है और हॉस्पिटल जो है सांबा में लाया जाता है। उसके बाद इस समय पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजनों को जो है अंतिम संस्कार के लिए शव जो है उनका सौंपा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना पेश आई है, बड़ा ही दुखदाई है जिस तरीके से ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जो है शव